हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल केएसएन टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली टॉप 3 मोस्ट अवेटेड बाइक्स के बारे में। ये बाइक है दोस्तों आपको आने वाले कुछ ही महीनों में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी, इसीलिए अगर आप आने वाले टाइम में किसी भी न्यू बाइक को परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो दोस्तों आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये बाइकें कब तक होगी लॉन्च इंडियन मार्केट में, क्या रखा जाएगा इन बाइकों का प्राइस और कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इन तीनों बाइकों में। तो इन मोस्ट अवेटेड बाइक के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देख लेना, और अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है किसी भी बाइक से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों होंडा रेबल 300, क्योंकि क्रूजर सेगमेंट में आने वाली इस बाइक का इंतजार इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफी लंबे टाइम से और काफी बेसब्री से करा जा रहा है, और दोस्तों पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये बाइक आपको 2021 के एंड से पहले लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और ये बाइक लॉन्च होने पर बाकी सेगमेंट में आने वाली सभी क्रूजर बाइकों की सेल्स को इजिली डाउन कर देगी, क्योंकि दोस्तों होंडा रेबल 300 का डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा अग्रेसिव है बाकी सेगमेंट में आने वाली सभी क्रूजर बाइकों से। तो अगर ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च हो जाती है तो सीधा सीधा कंपटीशन देने वाली है जावा की पराग को और बाकी सेगमेंट में आने वाली सभी क्रूजर बाइकों को। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक होंडा ने 5 बाइकों को लॉन्च कर दिया है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, और होंडा के काफी सारे प्लान्स हैं आगे भी अपनी बाइकों को लेकर। तो दोस्तों होंडा की रेबल 300 बिल्कुल कन्फर्म बाइक है, ये आपको आज नहीं तो कल लॉन्च होते हुए जरूर देखने को मिलेगी होंडा की तरफ से। तो चलिए थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं होंडा रेबल 300 के बारे में। इस बाइक में 286 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOSC इंजन का यूज किया गया है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 27.4 BHP की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 27 न्यूटन मीटर का। इस पावर के साथ होंडा रेबल 300 की टॉप स्पीड रहेगी 150 से 160 किलोमीटर पर आ तक की। और बात करें बाइक के फीचर्स के बारे में तो आपको होंडा रेबल 300 में 6 स्पीड गियरबॉक्स मिल जाएंगे, डुअल चैनल ABS रहेगा आप सभी की सेफ्टी के लिए, और कंसोल इसका होगा राउंड शेप का फुली डिजिटल कंसोल जिसमें आपको सभी बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। और बाइक के बारे में बात करें तो आपको इस बाइक में 3 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे जब ये बाइक लॉन्च होगी। इस बाइक के दोस्तों टायर काफी ज्यादा वाइड होने वाले हैं बाकी सेगमेंट में आने वाली सभी क्रूजर बाइकों से, और आपको बाइक के हर पार्ट में होंडा की तरफ से फुल्ली LED लाइटनिंग का सेटअप मिल जाएगा, आपको कोई भी फर्दर एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाइक में। तो चलिए बात कर लेते हैं बाइक के डायमेंशन के बारे में। इस बाइक के दोस्तों कवर वेट होगा 191 kg का, 125 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस होगी, और सीट हाइट होगी 690 mm की, जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में जरा से भी दिक्कतें नहीं आएंगी। और दोस्तों आपको बाइक में 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी, और ये बाइक आपको 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनली अब इसके लॉन्च के बारे में। दोस्तों इस बाइक की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट रखी गई है नवंबर से दिसंबर के मंथ की, और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 240,000 से 250,000 के एक्सट्रीम प्राइस पर, जो कि आपको ऑन रोड इंश्योरेंस और ऑटो लगाकर ये बाइक 260,000 से 270,000 के प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली बाइक के बारे में, जो कि है बेनेली की तरफ से आने वाली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड बाइक बेनेली TRK 251। इस बाइक के लॉन्च होने का इंतजार भी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफी ज्यादा बेसब्री से करा जा रहा है, और दोस्तों मुझे काफी सारे कमेंट्स आते हैं बेनेली TRK 251 को लेकर। तो चलिए बात करते हैं बेनेली TRK 251 के इंजन कैपेसिटी के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में। दोस्तों बाइक में 249 सीसी का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन का यूज किया जाएगा, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 25.83 BHP की 9250 RPM पर, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 21.2 न्यूटन मीटर का 8000 RPM पर। इस पावर के साथ दोस्तों ये बाइक 140 से 150 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बात करें बाइक के फीचर्स के बारे में तो आपको बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स मिल जाएंगे, डुअल चैनल ABS रहेगा दोस्तों आप सभी की सेफ्टी के लिए, और कंसोल इसका फुल्ली डिजिटल होगा जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गोज और टाइम जैसे सारे बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे। बाकी दोस्तों बेनेली TRK 251 में कोई भी एडिशनल फीचर नहीं होगा, और एडिशनल फीचर ना होने के बावजूद भी दोस्तों ये बाइक काफी ज्यादा बेटर होगी बाकी सेगमेंट में आने वाली सभी बाइकों से ऑफ रोडिंग के मामले में, क्योंकि बाइक के सस्पेंशन में इसके फ्रंट पार्ट में 41 mm के अपसाइड डाउन फोर्क और रियर पार्ट में सेंट्रल शॉक अब्सॉर्बर का यूज किया जाएगा, जो कि आइडेंटिकल माने जाते हैं ऑफ रोडिंग बाइक्स के लिए। और बाइक की लाइटनिंग में इसके फ्रंट पार्ट में हैलोजन बल्ब का यूज किया जाएगा, बाकी दोस्तों आपको बाइक के सभी पार्ट में LED लाइट्स देखने को मिलेगी बेनेली की तरफ से, आपको कोई भी फर्दर एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बाइक में। और TRK 251 के टायर साइज की बात करें तो इस बाइक का फ्रंट पार्ट का टायर होगा 110x70 mm का, और रियर पार्ट का टायर होगा 150x60 mm का, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा वाइड होगा बाकी सेगमेंट में आने वाली सभी टूरर एडवेंचर बाइकों से। और बाइक के डायमेंशन में TRK 251 का कवर वेट होगा दोस्तों 153 kg का, बाइक दोस्तों काफी ज्यादा लाइट वेट होगी बाकी सेगमेंट में आने वाली टूरर एडवेंचर बाइकों से,
200 mm की आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी और इस बाइक की सीट हाइट होगी 835 mm की, जो कि बिल्कुल फेवर में नहीं रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। और दोस्तों आपको बाइक में 17 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी और ये बाइक आपको 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी। तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं बाइक के लॉन्च के बारे में कि आखिर TRK 251 कब तक लॉन्च हो जाएगी इंडियन मार्केट में। दोस्तों फिलहाल में बेनेली TRK 251 की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट रखी गई है अक्टूबर से नवंबर के मंथ की, यानी कि ये बाइक आपको आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट में। और दोस्तों लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 220,000 से 230,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर, जो कि आपको ऑन रोड ये बाइक इंश्योरेंस और RTO लगाकर 250,000 से 260,000 के प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली बाइक के बारे में, जो कि है TVS की तरफ से आने वाली TVS Apache RR310 का 2021 का मॉडल। ये बाइक 30 अगस्त को लॉन्च होने जा रही है इंडियन मार्केट में और लॉन्च होने पर बाइक में काफी सारे चेंजेस आएंगे, तो चलिए उन सभी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं TVS Apache RR310 के मेजर चेंजेस के बारे में। जो सबसे पहला चेंज आएगा दोस्तों वो आएगा बाइक के कंसोल में। कंसोल के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करा जाएगा। जो अभी आपको 5 इंचेस का TFT डिस्प्ले वाला कंसोल मिलता है, वो आपको 2021 TVS Apache RR310 में 6 टू 7 इंचेस का TFT डिस्प्ले वाला कंसोल मिलेगा। और अब की बार दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि इस बाइक के कंसोल को हॉरिजॉन्टली माउंट करा जाएगा, जो कि काफी अच्छी चीज है। काफी सारे लोगों को इस बाइक का वर्टिकल कंसोल पसंद नहीं आता था। और दोस्तों दूसरा मेजर चेंज आएगा बाइक के डिजाइन में। बाइक के डिजाइन को थोड़ा सा और ज्यादा मस्कुलर करा जाएगा और बाइक के एर्गोनॉमिक्स को भी थोड़ा सा और ज्यादा बेटर करा जाएगा, ताकि ये बाइक थोड़ी और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सके। और बाइक के डिजाइन में 10 से 20% का चेंज आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही दोस्तों बाइक ये काफी ज्यादा बेटर लगती है बाकी सेगमेंट में आने वाली सभी बाइकों से। और फाइनली अगर हम बात करें बाइक के इंजन के बारे में, तो इंजन दोस्तों इस बाइक में सेम वही यूज किया जाएगा जो आपको रिसेंट वाली अपाचे RR310 में देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको इंजन की पावर में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिले, जो कि बिल्कुल फेवर में नहीं रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। और बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी को भी थोड़ा सा और ज्यादा इंक्रीज करा जाएगा और ये बाइक आपको 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में, और हाईवे राइडिंग पर आपको ये बाइक 35 प्लस का माइलेज भी दे सकती है। तो चलिए दोस्तों अब फाइनली बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में कि बाइक के प्राइस में कितना डिफरेंस आएगा और ये बाइक आपको कब तक आपके नजदीकी शोरूम में देखने को मिलेगी। दोस्तों बाइक के प्राइस में 5 से 10 हजार का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा पुरानी वाली अपाचे RR310 से। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस बाइक को 30 अगस्त को लॉन्च करा जाएगा इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, और लॉन्च होने के कुछ दिन बाद आपको ये बाइक आपके नजदीकी शोरूम में देखने को मिल जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो अपकमिंग टॉप 3 मोस्ट अवेटेड बाइक के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि इन तीनों बाइकों में से आप कौन सी बाइक को परचेज करना चाहोगे। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे भी ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।